बहुत खास है और वो बाकी बहुत सारे लोगों के लिए बहुत खास दिन है, तो अच्छा है क्योंकि इस तरह के अवार्ड्स हमारे यहाँ होने चाहिए क्योंकि बहुत सारा टैलेंट और बहुत सारा काम हो रहा है वहाँ, तो इट्स गुड, गुड रिकग्निशन मिलेगा सबको काम में। ग्लोबली बहुत ज़्यादा ऑडियंस है हमारी, अगर हम अपने 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 सब्जेक्ट्स को अपने कंटेंट को लोगों तक पहुँचा सकते हैं, जैसा कि हम बाहर का काम देख रहे हैं, अगर वैसा रहेगा तो अच्छा है हमारे लिए, एक एक विजन बढ़ता है काम को लेके, लोगों की समझ बढ़ती है काम को लेके, गुड। थैंक यू। मैं तो बहुत खुश हूँ, मतलब अच्छा है ना, जो लोग जो दो लोग प्यार करने वाले लोग उनके बीच में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं चाहिए, आई डोंट नो कोर्ट भी क्यों आया था बीच में, बट अच्छा है उन्होंने इंटरफेयर किया और सही डिसीजन दिया, इट्स नेवर टू लेट। थैंक यू। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अच्छा, मैं इस तरीके से मुझे ये चीज़ लगती है इसके बारे में कि डिजिटल एक ऐसी चीज़ है कि हम लोग अगर कहीं जा रहे हों तो मेरे बगल का आदमी शायद अपने मोबाइल पे मुझे ही देख रहा होगा, ये हो सकता है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि शायद मैं जिसे देख रहा हूँ वो मेरे कहीं आस पड़ोसी होगा, और ये चीज़ मतलब अपना अपना उस माध्यम का प्लस और माइनस होता है, तो मुझे इसका प्लस यही लगता है कि ये ऐसी चीज़ है कि अब जैसे सेक्रेट गेम नेटफ्लिक्स पे है, अब वो दो हफ्ते में उतरने वाला है नहीं, या तो 25 हफ्ते चलने वाला है नहीं, वो जब तक नेटफ्लिक्स रहेगा तब तक सेक्रेट गेम रहेगा, और जब तक सेक्रेट गेम्स फर्स्ट सीज़न रहेगा उसमें कांटेगर रहेगा। अरे नहीं यार, मैं बेसिक नहीं, क्या हुआ काटे कर करके अब कितने दिन हो गए, अभी तो मैं कुछ नया भी करके आया हूँ, तो नहीं नए के बारे में अभी बता नहीं सकता। साहेब हथकड़ी, अच्छा वो वाला सीन, नहीं वो तो ऐसा है कि वो काटेकर है ना, इसको अपने बच्चे बाजू में सोए हुए हैं, वन रूम किचन में रहता है बेचारा, जब तक बच्चे सोते नहीं है बीवी के साथ रूबरू नहीं हो पाता है, मतलब हाथ भी नहीं लगा पाता है, तो ऐसे आदमी को जब किसी के घर में जाके ये सब चीज़ें पता चलती हैं तो फिर वो कहते हैं कि साला ये सर कोई तो आइटम पेश लगता है, ये ऐसा हथकड़ी मैं अपने घर पर लेके गया ना तो मेरी बीवी मेरे को ऊपर बांध देगी और नीचे से मिर्ची का धुआं देगी। पार्ट टू का, हाँ जी यार, वो कब तक आने वाली है मैं नहीं बता पाऊंगा, विक्रमादित्य मोटवानी सर और अनुराग कश्यप सर आएंगे, उनसे आप पूछना, बिकॉज काटेकर तो चला गया अब सेकंड सीजन तो उनका है, वो कब करेंगे, लेकिन ज़ोरों शोरों से तैयारियां चल रही है मैंने भी सुना है, और अब तक तो पहले सीज़न से ही निकल नहीं पाया हूं मैं, क्योंकि जिस तरीके से लोग मिल रहे हैं, जिस तरीके से लोग प्यार कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मतलब सब लोगों की मेहनत है उसमें, और जो मलाई जो है वो एक्टर खा जाता है ना, वैसे तो हम मलाई खाने का काम कर रहे हैं, सब लोगों ने काम कर लिया। अनुराग सर और विक्रमादित्य मोटवानी सर ने दोनों ने मिलके इसका निर्देशन किया, डायरेक्शन किया, लेकिन मैं अनुराग सर के साथ काम नहीं कर पाया क्योंकि हमारा जो पूरा हमारी जो स्टोरी थी, जो ट्रैक्स थे हमारे, वो सारे विक्रमादित्य मोटवानी सर ने डायरेक्ट किए थे, तो लेकिन अनुराग सर ने ये कहा है कि
वो मुझे कास्ट करेंगे किसी चीज़ के लिए। तो हाँ, एक्साइटिंग चैलेंज तो ये था कि सबसे चैलेंजिंग चीज़ जो कार्टेकर के लिए रही वो ये थी कि वो पुलिस वाला है लेकिन उसको एक स्टीरियोटाइप पुलिस वाला ना बनने दूँ, ये चैलेंज था। लेकिन ये चैलेंज मेरे लिए आसान हो गया क्योंकि विक्रमादित्य मोटवानी सर डायरेक्ट कर रहे थे और वरुण, वसंत और स्मिता ने जिस तरीके की स्क्रिप्ट लिखी थी और सेट पे जो माहौल बना हुआ था तो वो इतना रियलिस्टिक जोन का था कि उसमें दूसरा आप कुछ कर ही नहीं सकते, गुंजाइश ही नहीं थी। तो चैलेंज तो यही था कि उसको इंसान ज़्यादा रखा जाए, ना कि सिर्फ हवालदार वो जो बना देते हैं ना उसको, तो वो उतना चैलेंज था। मुझे लगता है वो पूरा करने के लिए इन सारे लोगों की मदद हुई। मैंने एक्चुअली सच बताऊं, मैं हर चीज़, मतलब कोई एक सीन ऐसा नहीं था कि जिसको लेकर मैं एक्साइट हुआ था। उसमें सारे सीन्स ऐसे थे मेरे लिए कि एक तो अलग अलग लोकेशंस पे थे, कहीं धारावी में शूट किया, कभी कहीं पुरानी मुंबई में शूट किया, तो सारे सीन्स ऐसे थे, जगहें ऐसी थी कि बहुत ज़्यादा उछल रहा था मन और अच्छा काम करने को मिला यार। तो अच्छा काम जब अच्छा लिखा हुआ अच्छा होता है, डायरेक्टर अच्छे होते हैं और को आर्टिस्ट अच्छे होते हैं, सैफ अली खान के साथ काम करने का मौका मिला तो एक्साइटमेंट तो ऐसा कोई एक सीन को लेकर नहीं थी, सारे सीन्स को लेकर। शुक्रिया। That was a long bite. Don't make me do so much. First time, it's iReEL Awards is happening first time, and I'm very excited the way you know the platform, web series platform going. It's going huge, so I think I'm very excited, and of course I have lots of expectations, and I'm really looking forward that we all are gonna get the awards because I don't miss any of the web series. I'm sorry, what? Meri web series. I think soon because I'm getting few offers, but I haven't signed anything. But yeah, I'm sure. I think pretty soon you will see me in series. Yeah, I'm very happy that okay, government taking the initiative to you know approve all that. I'm very happy and I'm congrats to everyone. And this is a celebration day and this is a celebration evening. So we all are celebrating that. That's very good. Thank you.